नमस्कार दोस्तों, आज 21 जुलाई स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने एक बिल पारित किया है जो देश को एक विशेष रूप से यहूदी राज्य के रूप में परिभाषित करता है। तो संसद में एक बिल पारित हुआ है तो जो यहूदी राज्य के रूप में परिभाषित करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इजराइल। इजराइल संसद ने क्या किया है, एक बिल पास कर दिया है जिसमें यहूदी राज्य के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को पहले जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। तो किस बैंक को जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जन लघु वित्त बैंक, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFV, जन लघु वित्त बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पूछा गया निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला, लोकसभा ने भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक को पारित किया जो को जून में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए इसी नाम के अध्यादेश की जगह लेगा। दूसरा, विधेयक अदालतों को सरकार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी से संबंधित सभी संपत्ति जब्त करने का निर्देश देता है। तीसरा है कि भगोड़ा अपराधी वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और जिसने आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है। तो पूछा गया कौन से कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जुलाई से 11 अगस्त तक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय सेना टीम निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताओं में भाग लेगी। तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सेना है, जो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल दिवस है, उनमें भाग लेने के लिए मास्को रवाना हो चुकी है। तो मास्को में भाग लेगी भारतीय सेना टीम। तो ये इसमें 7 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान और रूस। ठीक है, तो इसका जो भाग लेगी उसमें उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टैंक वाई एथेनॉन और एलोरस रिंग, यानी कि फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, थर्ड नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल दास नीरज का 19 जुलाई को एम्स ट्रामा सेंटर में निधन हो गया, वो एक क्या थे। तो जो गोपाल नीरज दास जो थे वो हिंदी के कवि थे, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। ये अलीगढ़ में धर्म समाज कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे, हिंदी के प्रोफेसर, अलीगढ़ में जो धर्म समाज कॉलेज है वहाँ पे हिंदी के प्रोफेसर और हिंदी के कवि भी थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार रोकथाम यानी कि संशोधन विधेयक 2013 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है तो उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जाएगा। यदि हुआ इस मामले को कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों को कितने दिनों के भीतर सूचित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7, 7 दिनों के भीतर अगर सूचित कर देता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत नेपाल निरीक्षण तंत्र की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो भारत नेपाल निरीक्षण तंत्र की जो 6ठी बैठक है वो मुंबई में, वो सॉरी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5th। अब बात करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शासन के लिए एक डिजिटल मंच ई प्रगति परियोजना शुरू की है। तो ई प्रगति परियोजना जो शुरू की है वो है आंध्र प्रदेश ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3rd, आंध्र प्रदेश के CM है चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट, 2018 ब्रिक्स मीडिया फोरम कहाँ आयोजित की गई थी। तो 2018 ब्रिक्स मीडिया फोरम जो है साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा ने किसमें EVM उत्पादन के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत और कौन से देश ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के प्रयास में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है घाना। घाना की राजधानी है अकरा। अकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सूचित किया है कि अंतर्जात के जोड़ों के सामने आने वाले मुद्दों की जांच करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की गई है और उन्हें आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सह संचालन कर रहा है? तो मटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो है श्रीलंका में। ये बिल्कुल खाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे यात्रियों का आदान प्रदान नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसकी भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता जो आयोजित की जाएगी वो की जाएगी न्यू दिल्ली में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब की कब की जाएगी? तो ये की जाएगी 6 सितंबर 2018 को। 6 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 8 नवंबर 2018 को एंड्रॉयड डे शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एंड्रॉयड डे शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा कैलिफोर्निया में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में आयोजित किया जाएगा, माउंटेन व्यू में। नेक्स्ट है, 23 से 27 जुलाई तक पीएम नरेंद्र मोदी न्यूनतम से किन किन स्थानों पर जाएंगे? पहला रवांडा, दूसरा युगांडा, तीसरा मोरक्को। तो हमारे जो पीएम हैं प्रधानमंत्री वो जाएंगे रवांडा और युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस फाउंडेशन ने मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरियाई अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन हाई को जेल में कितने वर्षों की सज़ा सुनाई है? तो दक्षिण कोरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं पार्क गुन हाई को 8 साल की सज़ा सुनाई है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। अब इस प्रेजेंट टाइम में जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो है मून जेई इन, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, कनाडा की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक योजना कनाडा पेंशन योजना निवेश बोर्ड CPPIB ने किसको एशिया में निवेश के लिए मुख्य केंद्र के रूप में देखता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, यानी कि भारत को एशिया में निवेश के लिए मुख्य केंद्र के रूप में देखता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहले अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने घोषणा की कि लोकसभा में विपक्षी पार्टियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का मुद्दा उठाया जाएगा। दूसरा है, आंध्र प्रदेश गाय निगरानी लिंचिंग SC ST अधिनियम के कमजोर पड़ने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। तीसरा है, अविश्वास प्रस्ताव एक वोट है जो यह बताता है कि सत्तारूढ़ सरकार अब सत्ता की स्थिति में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पूछा गया कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों करेक्ट हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।